शमशान में दिन दहाड़े देखा कुछ ऐसा नजारा कि चिता छोड़कर भाग गए वहां से लोग। पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप है। आरोप ये है कि पति ने पत्नी की हत्या कर उसके शव का अंतिम संस्कार चुपचाप करने का प्रयास किया। घटना जेवर कोतवाली एरिया के मंगरोली रोड की है। पुलिस ने मौके से पति और देवर को अरेस्ट कर लिया, जबकि अंतिम संस्कार में पहुंचे अन्य लोग पुलिस को देखकर शमशान घाट से फरार हो गए। मृतक महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति व सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार पहासू निवासी जगदीश की बेटी रेखा की शादी 2 साल पहले मंगरोली रोड निवासी जितेंद्र के साथ हुई थी। बताया गया है कि दोनों ने लव मैरिज की थी। रेखा के पहले 2 बच्चे भी थे, हालांकि वो उन्हें अपने पहले पति के पास ही छोड़कर आ गई थी। बाद में जितेंद्र और रेखा के भी 2 बच्चे हुए थे। आरोप ये है कि जितेंद्र और उसकी माँ आए दिन दहेज के लिए उसे मांग करते रहते थे और मृतिका के साथ मारपीट भी की जाती थी। आरोप ये है कि जितेंद्र भी शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को आरोपियों ने रेखा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोप ये है कि शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पहुंच गए। रेखा की मौत की खबर जेवर के कानून गोयान मोहल्ला निवासी मौसरे भाई राजू को मिली थी। राजू ने मामले की शिकायत पुलिस के पास की। सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उस समय शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के पति व देवर धर्मवीर को हिरासत में ले लिया, जबकि पड़ोस के अन्य लोग पुलिस को देखकर शमशान घाट से भागने में सफल रहे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की माने तो मृतिका की सास घर को ताला लगाकर भाग गई। और जेवर जीडी जोशी का कहना है कि मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।